चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने अमेरिका में अब तक सबसे अधिक तबाही मचाई है। अमेरिका में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 6 लाख पार कर चुकी है और लगभग 26,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से पूरा अमेरिका परेशान है और इसी परेशानी ने अमेरिका की प्रमुख पार्टियों यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को एक साथ कर दिया है। यह खबर चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसे अगर भारत का उदाहरण लेकर समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि चीन के खिलाफ लड़ाई में अब भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ चुकी हैं। इसे न सिर्फ चीन के खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी बल्कि कोरोना से भी लड़ने में सरकार को मजबूती मिलेगी। दरअसल चीन की करतूतों और कोरोना फैलाने के बाद किए गए प्रोपेगेंडा ने अमेरिका के दोनों ही पार्टियां चीन के खिलाफ कड़े एक्शन लेने और एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एकमत हो चुकी हैं। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और चीन के रिश्तों में होने वाले परिवर्तन पर नजर बनाए रखना मुश्किल है क्योंकि ये हर वक्त बदल रहा है। द हैरिस पोल का एक नया पोल सामने आया है कि कोरोना वायरस और चीन का मामला अमेरिकियों को एकमत कर रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अब काफी हद तक सहमत हैं कि कोरोना वायरस महामारी के फैलने की जिम्मेदारी चीन की है और अब चीन के ऊपर किसी अन्य मुद्दे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार चीन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाकर सख्त से सख्त एक्शन ले। इस पोल के माध्यम से यह पता चलता है कि 90% रिपब्लिकन यह कह रहे हैं कि वायरस के प्रसार के लिए चीनी सरकार जिम्मेदार है, जबकि यही बात 67% डेमोक्रेट्स भी मानते हैं। केवल 22% रिपब्लिकन और 34% डेमोक्रेट ने कहा है कि उन्हें लगता है कि चीनी सरकार ने उनके कोरोना वायरस के आंकड़ों की सटीक रिपोर्ट की है। वहीं चीन के साथ व्यापार पर यह सहमति और अधिक है। दोनों में से किसी भी पार्टी को यह नहीं लगता है कि ट्रंप के फेज 1 ट्रेड डील के तहत चीन अपने दायित्वों को पूरा करेगा या नहीं, लेकिन दोनों दलों के प्रमुख जानकारों का मानना है कि यदि बीजिंग अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो अमेरिकी सरकार को फिर से सख्त टैरिफ लगा देना चाहिए। ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का मन बना लिया है। 71% रिपब्लिकनों का मानना है कि चीन को अन्य देशों को प्रकोप के कारण हुए नुकसान के लिए भरपाई करनी चाहिए। वहीं डेमोक्रेट्स में यह प्रतिशत केवल 41% रहा है। इस पोल में यह भी बात सामने आई है कि 66% रिपब्लिकन ये चाहते हैं कि ट्रंप को चीन के प्रति और कड़े रुख अपनाने चाहिए, जो वे अभी अपनाते आए हैं। वहीं 38% डेमोक्रेट्स यही चाहते हैं कि ट्रंप को और सख्त रुख अपनाने चाहिए। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कदम उठाना प्रारंभ भी कर दिया है और यही अमेरिकी सांसद चीनी अधिकारियों को कोरोना के आंकड़े छिपाने के लिए सैंक्शंस लगाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा अमेरिका ने WHO के चीन के साथ मिलीभगत करने के लिए फंड को ही रोक दिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने की बात कही थी। अब अमेरिका ने यह कर भी दिखाया है। ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ इसी तरह के कुछ और भी धमाकेदार निर्णय लिए जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और जॉय बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ आना चीन के लिए बहुत बुरी खबर है।